अपन जो है अपने जितना भी लिखते हैं सब भुक्त भोगी लिखते हैं कि सपनों पे वज्र धातु रो रहा है नोनिहाल, देश की विडंबना, कि सपनों पे वज्र धातु रो रहा है नोनिहाल, नानी की कहानी जैसी दूध रोटी हो गई और शकुनी की नीतियों के खेल सब हो रहे हैं, आदमी की जिंदगी तो एक गोटी हो गई, क्या भ्रष्ट तंत्र साक रूप हो गया है लोकतंत्र, बेईमान नेताओं की खाल मोटी हो गई और शिशक रहे हैं सुकरात बुद्ध महावीर, गांधी की लंगोटी मित्र और छोटी हो गई, गांधी की लंगोटी मित्र और छोटी हो गई। तो प्रश्न है विचारणीय, मिलके विचारिएगा भाई साहब, ऑक्सीजन की कमी है, जमाई आदमी को तभी आती है, पानी पी लो तो जमाई शांत हो जाती है। तो प्रश्न है विचारणीय, मिलके विचारिएगा, स्वाभिमान राष्ट्र का खिलौना कैसे हो गया, ज्ञान का प्रकाश पुंज व्योमों में विलीन हुआ, घोर अंधकार का बिछौना कैसे हो गया, के खून आदमी का खून पी रहा है आदमी, रूप राजनीति का घिनौना कैसे हो गया, और चाट रहे स्वान स्वाद ले रहे हैं सावधान, देश मेरा दूध का भगोना कैसे हो गया, देश मेरा दूध का भगोना क्यों हुआ भाई साहब, ये सब विडंबनाएं क्यों है। राम जी बराबर सुनिए, के बोट के देवैया लेंगे धोती और रुपैया भैया, बोट के देवैया लेंगे धोती और रुपैया भैया, पौआ में बिकौआ जो लो होश नहीं लाएंगे, वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपैया भैया, पौआ में भी कौआ जो लो होश नहीं लाएंगे, वोट के देवैया लेंगे धोती और रुपैया भैया, पौआ में भी कौआ जो लो होश नहीं लाएंगे, और कौओं की जमात जोरु भावना को नोच नोच, टाल ठोक ठोक कर लोकतंत्र खाएंगे, क्या कहता हूँ साफ साफ रोते ही रहोगे आप, आपकी निवलता का लाभ ये उठाएंगे, आपकी निवलता का लाभ ये उठाएंगे, क्या वोट दीजिएगा लीजिएगा अधिकार आप, किसी लोभ लालच में कभी मत आइए, और मालिको हो मुल्क के तो ठोस दृढ़ भाव रखो, तिनको से लहरों में बह मत जाइए, तिनको से लहरों में बहमत जाइए, के गुंडे अपराधी शस्त्रधारी यदि डबे ध्वंस तो ऊर्जावान हो करके परस दिखाइए, और भारती के फाल पे जो टीका करे गौरव का, ऐसे लोग संसदों में चुन के पठाइए, भारती के फाल, भारती के फाल पे जो टीका करे गौरव का, ऐसे लोग संसद में चुन के पठाइए। अभी यहाँ चंबल की बात की और भैया ने भी की और हमारे डॉक्टर कैलाश सुमन ने भी की, मैंने चंबल की गंध नाम से एक पुस्तक लिखी है जिसमें करीब 363 छंद हैं, यहाँ के सकारा नहीं सब नहीं हाँ, लेकिन कुछ ये हमारे जो मेहमान आए हैं इन मेहमानों को हमारे यहाँ मेहमान की खातिरदारी कैसे, क्या होता है उत्साह, हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो भाई साहब गरीब से गरीब आदमी अगर पैसा नहीं है तो वो अपने बर्तन भी गिरवी रखता है लेकिन मेहमान की खातिरदारी करता है, ये संस्कृति केवल चंबल की धरती में है। और मित्रों देखिए हम कहाँ तक करते, क्या होता है उत्साह मोद पाहुनों को पावे द्वार, प्रीत नीति रीति से निभाए पहचान को, और प्यार गल हार भर कर सत्कार चार, देवतुल्य जानू भेंट पूजा मनु मान को, के नेह मेह छोटो पे उड़ेल भरपूर ही पुजवर पाए शीश धार पद
त्रण को और चमली की घाटी रही यही पर पाटी भट बासनहुं बेच दे तुम मानो मेहमान को बासनहुं। ओ भाई साहब हमारे यहाँ भैंस कैसे जुड़ जाती है सारे संसार से अलग। देखिए जोशी हमारे यहाँ भैंस अलग तरीके से जुड़ जाती है। भैंस चम्बल की भैंस का क्या कहेंगे, खूब दूध देती है भाई साहब, जब समा खाती थी मर मर दूध देती है। और भाई साहब हमारे यहाँ संध्या के समय दूध कैसे, देखिए आप उसको उस चित्र को मैंने काव्य में कैसे डाला है, इसके लिए आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए, मेरे कवि को आपको शाबाशी देनी चाहिए। देखिए के दोहना उठाए के दोहना उठाए लाए दियो जांग बीच आए दोहना उठाए लाए दियो जांग बीच आए और छींटा मारे धोए थन भैंसी पसुराई है के दोहना उठाए लाए दियो जांग बीच आए छींटा मारे धोए थन भैंस पसुराई है और मर मर धुनिया के मर मर घर घर सुर भयो पात्र माहे भरे लाए और शिशु मोदु अधिकाई है के माटी की दूधेड़ी श्याम ओटन के काजी रखी बारी है परोसी नारी आग दहकाई है और डेला गोड़ संग खाए बेला भरी दूध पियो पुष्ट देह मल्ल युद्ध हेतु ललचाई है। आदमी आगा दूध पी के टाल ढूंढने लगता है। सैदरा के कवि सम्मेलन में भाई साहब प्रवीण शुक्ला ने बुलाया था, उस समय मैंने ये छंद पढ़ा तो वहाँ क्या हुआ, लोहिया बाजार के एक जैन साहब की लड़की उस कवि सम्मेलन को अपने पति के साथ सुनने आई और जैसे ही मैंने ये छंद सुनाया बेला भरी दूध पियो ऐसा और उसने एक गोल्ड पति के पीठ में जमाई, बोले देखे चम्बल के कैसे कैसे लोग होते। तो उसने कहा के काय के चम्बल के लोग, चम्बल के लोग तो भाई भाई को मारता है। अब उसने कोई जवाब नहीं बेटी पे। मैं जब नीचे उतर के आया मंच से तो उस बेटी ने मेरे से कहा कि इसका जवाब है भैया तुम्हारे पास। मैंने कहा जवाब है ना, बिल्कुल जवाब है। हमने कहा आदरणीय जीजा जी हमारे यहाँ भाई भाई को इसलिए मारता है कि भाई ने भी भैंस का दूध पिया है, उस भाई ने भी भैंस का दूध पिया है। कडेला गुड़ संग खाए बेला भरी दूध पियो पुष्ट देह मल्ल युद्ध हेतु ललचाई है। तो मैंने कहा साथ दोनों भैया ने पी लो दूध। अगिया जी तुम तो माओ ने सो तुम्हें नहीं उठाए, भैया भैया को नहीं मारेगा तो तुम्हें तलाशेगा। हाँ ये मेरा उत्तर था भाई साहब। और देखिए एक क्षण और देना चाहता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं कवि हूँ, राष्ट्र के प्रति मेरा चिंतन होना चाहिए, इसलिए मैं एक छंद आपको निवेदित करता हूँ कि देखिए आतंकवादियों ने किन किन को मारा, आतंकवादियों ने किन किन को मारा और चंबल की धरती से ये कवि क्या कहना चाहता है कि इंद्रा मातु छीन कर वीरु वैद भून कर घात अब आप पर ध्यान धर लीजिए और दुष्ट देश द्रोहियों पे हाथ है विदेशी पुष्ट भूट राजनीति की मिठास मत पीजिए के देश की अखंडता को खंडित करें जो लोग ऐसे उग्रवादियों को वंशहीन कीजिए और काट काट मुंड मेदनी को पाट देंगे भक्त चम्बल के लालों को इशारा कर दीजिए काट काट मुंड मेदनी को पाट देंगे भक्त चम्बल के लालों को इशारा कर दीजिए।